शरीयत गहवारा ए हिकमत व फन नाज है हमको ये है मेरा चमन मेरा चमन मेरा चमन मेरा चमन। पटना कमिश्नर एक अंग्रेज हुआ करते थे, उनके फसलाए डिवाइन में तय हुआ कि यहाँ एक मेडिकल स्कूल, एक टीबिया स्कूल और एक आयुर्वेद स्कूल खोला जाए। काम शुरू हो गया। पटना मेडिकल स्कूल जो है मेडिकल स्कूल वो 1925 फरवरी 1925 को स्टार्ट कर दिया। बाकी बचे आयुर्वेद टीबिया का आयुर्वेद स्कूल टीबिया स्कूल ये 1926 में जुलाई में शुरू हुआ। नोटिफिकेशन के हिसाब सरकारी नोटिफिकेशन के हिसाब से 26 जुलाई को आयुर्वेद टिबिया आयुर्वेद स्कूल खुला और टिबिया स्कूल जो है 29 जुलाई 1926 से कायम हुआ। शुरू में एक मकान में दो कमरे का मकान किराया पर लिया गया था रमना रोड में, आप सब जानते हैं रमना रोड कहाँ पर है। उसके बाद कुछ दिनों वहाँ किराए में चला, उसके बाद अभी अंटा घाट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं आप, वहाँ पर भी एक मकान था वो किराए में लिया गया। उसके बाद 1934 में जनवरी में आप लोग को याद है कि भूकंप आया था जलजला, उसी के बाद से इस कैंपस में टिबिया कॉलेज चलाया है। शुरू में टिबिया स्कूल कहलाता था, 1943 के बाद गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज के नाम से ये मशहूर है। इसके साथ हॉस्पिटल है ताकि यहाँ के स्टूडेंट ट्रेनिंग कर सके, मेडिकल ट्रेनिंग ले सके, इलाज मुआवजा कर सके। उसके लिए सरकार शुरू से इसके लिए फंड देती है। स्कूल हॉस्पिटल शुरू से अटैच है। शुरू में रजिस्ट्रेशन फ्री में, कंसल्टेशन फ्री में, दवा हम लोग देते हैं फ्री में। गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज में 14 डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे क्या 8 आउटडोर चलते हैं। इंडोर का ही फैसिलिटीज मौजूद है। हमारी क्या जो सुविधाएं दी जा रही है वो हर चीज फ्री में दी जाती है। आज हमारे डॉक्टर्स की मेहनत के लेकर और दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन को सही कर देने के लेकर यहाँ मरीज काफी तादाद में आते हैं। आउटडोर में 300 से ऊपर मरीज रोजाना आते हैं। अभी हमारे पास जो 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें काम हो रहा है, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है और बहुत दूर दूर के मरीज आ रहे हैं, उनको फायदा पहुंच रहा है। एक तो ये है स्किन डिपार्टमेंट जिसके इंचार्ज डॉक्टर फखलाक साहब हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, टाइमली आते हैं, उसकी वजह का नंबर ऑफ पेशेंट 70 से लेकर 80 तक रोजाना है। नहीं, बहुत से लोग आते हैं, 70 में करीब करीब 25 पेशेंट आते हैं जो दूसरे से घूम के आते हैं, अपना बहुत इलाज कर रहे हैं, वहाँ दवा NMCH किया PMCH किया, फायदा नहीं हो रहा है बहुत से बीमारी का, तो उसके इलाज के लिए आते हैं लोग हैं। उसी तरह एक डिपार्टमेंट मेरा यहाँ है RT का, रेजिमिनल थेरापी, वहाँ भी हम लोग आर्थराइटिस का, घुटने का दर्द का, कमर का दर्द का, इस तरह बहुत से बीमारी है पुराने जिससे आदमी मजबूर हो जाता है, अपने ज़रूरत का काम भी नहीं कर पाता है, पर पखाने के लिए परेशान नहीं कर पाता है, उन लोगों को यहाँ के इलाज से बहुत फ़ायदा होता है। ये और ये आप जानते हैं कि ज़्यादातर बूढ़े लोगों में है जिसको घर में कोई देख रेख नहीं कर पाता है, अपने काम नहीं कर पाता है, यहाँ के इलाज से उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मुख्तलिफ तरह के ऐसे मरीज़ जो दूसरी जगहों से थक चुके होते हैं और उन
शफायाबी उनको नहीं होती है, उस तरह के मरीज़ यहाँ पर रेफर्ड पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे जो भी इलाज किया जाता है वो सिर्फ हर्बल ट्रीटमेंट्स किया जाता है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ख़ासतौर पे वो जो मुज़मिन अमराज हैं, साइटिका है, नी ज्वाइंट पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन है, प्लांटर फेसाइटिस है, इस तरह के मरीजों का इलाज करने पे खातिर खा उनमें फ़ायदा नज़र आता है। या सारून है, बहुत ये तेज दवा है, बहुत अच्छी दवा है। माजून दौर में भी इसका नाम है और ये मुखबी आसाब है, मुखबी जिगर है, ख़ास करके जिगर के अमराज में इसको दिया जाता है। तो ये सब दवाएं हैं और भी यहाँ बहुत सारी दवाएं हैं, आप लोगों पहले भी पढ़ा चुके हैं। और इस तरह से यार या असगंध है, बहुत ही मशहूर दवा है, हम समझते हैं कि वो एफोडेसिक है। अच्छा, जोड़ों के दर्द में जो है बहुत सारी जो भी आप भी जो आ रहे हैं रिसर्च में, जैसे ये आपके अजगंध नागौरी हो गया, तर्ज हैं, उसके बाद उसके साथ सुरंजान शीरी है, नमक लाहौरी है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग उसमें मिलाए जाते हैं आपके मंगरेला, यानी कि वो जो है आपके, कुछ लोग उसके साथ जो अलसी यानी तीसी का इस्तेमाल करते हैं, कलौंजी के बारे में कर रहे थे, मंगरेला जिसको कहते हैं। तो उसका जो चार पांच चीज मिला करके जो दवा बनती है, तो बहुत सारे लोगों का दवा है कि इससे जोड़ों का दर्द में बहुत ही फायदा मुमकिन है। इसको इस्तेमाल अलॉन्ग विद अलग जो दवाएं हम लोग यहाँ जो ट्रेडिशनल दवाएं माजिन सुरंजान माजिन चौपचीनी, ये इस तरह की दवाएं जो है वो है अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ इस तरह की दवाएं अलग से पाउडर का इस्तेमाल किया जाए तो बफदल खुदा जो है बहुत अच्छा फायदा होता है। डिपार्टमेंट में पैथोलॉजी के साथ साथ सहलियात का भी पढ़ाई पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। केस आता है उसमें जो है टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट होता है। टेस्ट में जो है जो यहाँ रूटीन वर्क जो है ना होता है, स्टूल यूरिन और टीसीडीसी ईएसआर हेमाटोलॉजी जो है, एचआईवी किट है, प्रेगनेंसी टेस्ट है, इस तरह से ये सारे जो है टेस्ट जो है यहाँ होते हैं, ये फ्री होते हैं जो ओपीडी में केस देखे जाते हैं। दूसरा ये है कि लैब में जो है स्टूडेंट का प्रैक्टिकल होता है, जो भी सीसीआईएम के नॉर्म के मुताबिक उसमें टेस्ट जो स्टूडेंट को बताना है प्रैक्टिकल के लिए, यहाँ प्रैक्टिकल कराया जाता है। टिब्बी कॉलेज लाइब्रेरी जो आज हकीम कबीरुद्दीन लाइब्रेरी के नाम से जाना जा रहा है, और 91st फाउंडेशन डे के प्रोग्राम के तहत इसको और सामने लाना है। इस लाइब्रेरी के अंदर कम से कम 23,000 से 24,000 किताबें हैं, और जहां तक हम जानते हैं
कि बिहार या हिंदुस्तान में इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो है यूनानी लाइब्रेरी नहीं है। इसमें यूनानी किताब के साथ साथ बहुत सारी मॉडर्न किताबें हैं। जितनी तादाद में ये किताब है वो दूसरे मेडिकल कॉलेज में भी शायद हो या ना हो जाए, मॉडर्न बुक्स। और ये लाइब्रेरी हम 2004 से संभाले हुए हैं और इसको 13 साल से जो है संभाले हुए हैं। इसी तरह लकवा का मारा हुआ आदमी आपकी ज़रूरत का काम नहीं कर सकता, आपका पानी नहीं पी सकता है, उसके लिए हम लोगों ने खोला है एक न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलेशन सेंटर। उसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और पुराना तरीका जो हमारा इलाज करने का है उससे इतना फ़ायदा हो रहा है कि आपको सुन के तजुब होगा कि मेडिकल कॉलेज से लोग वापस आ रहे हैं। ये न्यूरो रिहेबिलेशन कम डायबिटीज़ ओबेसिटी मैनेजमेंट यूनिट है, आप इसको कह सकते हैं कि यूनानी का सुपर स्पेशलिटी वार्ड है। ये ज़्यादातर ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पेशेंट लेने का, उसमें अगर जॉइंट्स पेन है तो वो कम से कम 5 साल हो। यहाँ पे जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वर्टेब्रल स्टेनोसिस का, L4-L5 का, डिस्क प्रोलैप्स का, और ज़्यादातर अभी वार्ड में देखेंगे आप तो पोस्ट पैरालिसिस का, कुछ एक्यूट केस पैरालिसिस कह जाते हैं, कुछ पैरालिसिस के क्रॉनिक केस आते हैं। तो हम यहाँ यूनानी विधि से पूरा न्यूरो वार्ड में जो इसका तरीका इलाज है उससे पूरा उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जो पेशेंट हमारे पास स्ट्रेचर पे आता है हम कोशिश करते हैं कम से कम वो चलने लगे, कम से कम उसकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो। जो अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है तो उसके लिए ये दिक्कत हो जाती है कि घर के कई लोग उनको सपोर्ट करना पड़ता है उनको डेली लाइफ के लिए। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं ये हमारा टारगेट होता है, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 40 के आसपास जो यूनानी प्रोसीजर्स है जो हम करते हैं उसके साथ मुंजिस मसल थेरेपी साथ में चलती है, वो चलता रहता है। पूरा एक कोर्स है जिसमें एक पेशेंट को ऑलमोस्ट 15 से 30 दिन के आसपास हम एडमिट करते हैं और शुरू से लेके वो तरीका इस्तेमाल करके, और वो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट यहाँ से एम्बुलेटरी हो जाए, वो पेशेंट जो एम्बुलेटरी नहीं थे। और ये जो डिजीज़ हैं जिसके लिए ऑपरेशंस बता देते हैं कि वो डिस्क प्रोलैप्स हो गया आपका या फिर आपको स्टेनोसिस हो गई, और जो जो प्रिवलेंस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें व्याप्त है, इसका कोई इलाज नहीं है। कहा जाता है कि आप ऑपरेशन कराएं उसके बाद भी हो सकता है बेड रिडन हो पाएगा। ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं और ये पूरे ईरानी तरह के इलाज से हमको करते हैं। जब पटना आए तो यहाँ PMCH में मैंने दिखाया, एक महीना तक वहाँ चला दवा लेकिन नहीं कुछ हुआ। उसके बाद मैं डॉक्टर राजीव रंजन है सर, वहाँ पर भी दिखाए थे। अच्छा, वहाँ पर भी दिखाए अंग्रेजी दवाई, तो वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। कि ये ऐसा बीमारी है कि जहाँ हम हार मान गए थे इसके कारण, मैं हम सोच गए थे अब ये मेरा ठीक नहीं होगा, लेकिन हम जब यहाँ तिब्बी कॉलेज में आए यहाँ पे तो हमको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। यूनानी के साथ साथ यहाँ मॉडर्न मेडिसिन के लिए डॉक्टरों की प्रतिनिधि NMCH से हुई, जिसमें सर्जरी डिपार्टमेंट है, ENT है, पेडिट्रिशियन हैं, डेंटिस्ट हैं, सारे डॉक्टर्स आते हैं। जो यहाँ भर्ती पेशेंट होते हैं उनको खाना पीना सारी चीज़ों का ख्याल जो है रखा जाता है। यहाँ पेशेंट को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, पेशेंट भी बहुत यहाँ संतुष्ट होकर जाते हैं। हम ये चाहेंगे कि हमारा कॉलेज और तरक्की करे, चूँकि सरकार का भरपूर इसमें सहयोग मिलता आ रहा है, आशा है कि मिलता रहेगा तो हम काम करते रहेंगे। इस कॉलेज का 91 जो है फाउंडेशन डे आप लोग मना रहे हैं, तो मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है वीडियो के जरिए अपने सारे उन दोस्तों को, पर्टिकुलरली वो 1981 के बैच के लास्ट GUMS के बैच के सारे स्टूडेंट्स को, मैं साथियों को जो जहाँ कहीं भी हैं जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से मेरे दूसरे साथी डॉक्टर नुमान जो थे अभी आयुष के डायरेक्टर हैं झारखंड में, और भी बहुत से मेरे साथी हैं जो कि डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट जगह काम कर रहे हैं जहाँ तक मेरी पहुँच भी नहीं है, अगर उन तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर इस दिन आए ताकि इस कॉलेज को अपनी जो है अपने बारे में बता सकें। इस प्रोग्राम का मकसद ही मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले ओल्ड वार्ड जो हमारे पूरे भारत में फैले हुए हैं, दिल्ली में, लखनऊ में, UP में, बिहार में, बंगाल में, उनको इस योम तासीस फाउंडेशन डे के मौके पर
एक जगह जमा करें, उनको दूसरे से मिलाएं। दूसरी ये कि जो नए लड़के हैं उनको ये बताना है कि ये 91 साल जो हुआ इस कॉलेज का, इसमें पूर्वजों की बड़ी कुर्बानियां रही हैं, बड़ी बलिदान रही हैं। उनको न्यू जनरेशन तक ये मैसेज उनको देना कि हमारे पूर्वजों की बड़ी कुर्बानियां रही तब हम लोग यहाँ तक आए हैं, और आपके लिए जो इतना अच्छा स्कोप है वो इससे फायदा उठाएं। हकीम साहब ने रानी का नर्स देखते हुए कहा, वक्त बदल रहा है, अब तो आप लोगों को विदेशी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, खादी का इस्तेमाल करना चाहिए। रानी ने कहा, हकीम साहब खादी पहनने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो इतनी मोटी और फुर्दुरी होती है कि बदन में चुभती है। तो ये दास्तान, उनकी दास्तान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती है जब तक कि हकीम कबीरुद्दीन साहब के नाम पर किसी चीज का यहाँ पे नाम नहीं रखा था। इसलिए हम कॉलेज अथॉरिटी से ये दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह से इस हॉल का नाम हकीम अजमल खान के नाम पर है, उसी तरह कम से कम इस लाइब्रेरी का नाम हकीम कबीरुद्दीन साहब के नाम पर रखा जाए, तब यह दास्तान मुकम्मल होगी। Oh.